गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है दीपावली, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली, और बहुत अच्छे से मनाना, बहुत पटाखे फोड़ना, जो भी मन हो तो करना। तो आज दीपावली का मेरी आज ही आदत खराब हो गई है। आज देखिए उनकी सफाई करके उनकी आँख गई है, आज मेरी फूल गई है। पता नहीं कौन से कीड़े ने खा लिया है, एकदम बहुत ज्यादा सूख गई है एकदम से, और चेहरे पे पिंपल ही आ रखे हैं। सब कुछ हमारे थोड़े पे ही हो रहा है, दीपावली है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाएंगे, अब जैसे भी कर रहे हैं साथ। मगर देखो लगी है भाई, डब्बा इंडिया, पता नहीं कौन से मूर्ख इंसान ने बना दिया कि दीपावली होगी तो सफाई करी जाएगी। पता है कौन ऐसा मूर्ख इंसान ने ये नहीं बनाया। मूर्ख इंसान, साफ सफाई तो हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन अब आप करती नहीं है तो क्या। साफ सफाई हमेशा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम थोड़ी ना कि ऐसे छोटे मोटे डब्बे डबिया निकाल के फिर उनको पोछो फिर उनको रखो। अभी होली आएगी फिर वही काम, मतलब कौन सा दीपावली आती है और ये काम क्यों किया जाता है, आप कमेंट में बता रहे हैं। करो तो नहीं हो इतना शादी तो अलग बात है भाई, हमारी हालत हो गई खराब। हमने सोचा था अच्छे से तैयार होंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारी आंखें एक कीड़े को इनसे इतना प्यार हो गया, इतना लगाव कि उसने इनको एक किस कर दी आंखों पे, इसमें खा लिया, ये सूझ गई। ये देखिए अंतर दिखाते हैं आपको, पल तो देखो। आप लोग बने रहिए, दिखाएंगे आज क्या करते हैं। आज दीपावली है, फिर भी काम बंद ही नहीं है, पूरे दिन दिखाएंगे ब्लॉग में। और लाइक कर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई मैं लगी है सफाई कर, भी आज हमारे घर पे भाई सफाई चल रही है, और मम्मी देव सफाई अभियान खोले हैं। और सफाई के चक्कर में गाय हमारी आँख तो भाई सूज गई है, सफाई चक्कर नहीं, पता नहीं कल कौन से कीड़े ने खा लिया। इधर दुष्ट कीड़ा था, उसने आँख में आके खा लिया। अपनी फ्रेंड से बात कर रहे थे, पता नहीं किसने खा लिया। आज सुबह जब उठे तो ये आँख सूज गई एकदम पूरी, बहुत दर्द कर रही है। अब सुबह भी शांति से तो भाई उठने नहीं देते, सुबह ही सुबह इतने ज्यादा लेक्चर, कितनी ज्यादा फोन चलैया, इतनी ज्यादा एहसान फरामोश। अब भाई दुनिया भर की बात है, सुबह सुबह भाई मुझ बात भाई सुबह सुबह मुझे रोज मुझ मासूम को सुबह सुबह उठा दिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि भाई टाइम बता, देखो क्या हुआ है घड़ी में। भाई टाइम तो ये लोग खुद देख सकते हैं ना, लेकिन नहीं, टाइम देखने के लिए मुझे ही उठाएंगे कि भाई टाइम देखो घड़ी में क्या हुआ है। भाई इतना इतना अन्याय होता है। फिर हम उठ ही गए, हमने सोचा लाओ तब तक इतने लेक्चर पिलाए जाएंगे तब तक लाओ पहले उठ ही जाए। फिर हम उठ के आए, देखो सुबह सुबह यहाँ पे ये कबाड़ा इकट्ठा कर दिया है। अब बताओ सुबह सुबह उठ के आए, सुबह सुबह इसमें लग जाओ आके, तो खुश भाई क्या करें। अब दिखाएंगे पूरे दिन क्या करते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। अरे कोई पूछा नहीं, दुनिया को वैसे पसंद है तो दुनिया पिंपल वाली शक्ल के साथ ही पसंद करना चाहिए दुनिया को। दुनिया पसंद ही नहीं करती आपको, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है कि सब पसंद करते हैं। अब पिंपल आ गए हैं तो पिंपल को ही पसंद करेंगे, पता नहीं मतलब क्या हो गया। दो तीन सालों से, मतलब दो तीन सालों से, तीन चार साल हो गए, पिंपल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इतना तो साथ मेरा किसी ने नहीं दिया जितना पिंपल ने साथ दिया। अभी कहाँ निकले हैं, हाँ बीएससी में थे तब, तीन चार साल से मतलब निकल रहे हैं पिंपल, और पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतना साथ मेरा किसी ने नहीं दिया जितना इन पिंपल ने दिया। फिर अब हमने भी पिंपल के साथ जीना सीख लिया, हमने कहा चलो तुम भी निकलो, हमें भी कोई, अब हमें कुछ नहीं लगता। निकल आते एक सही हो जाता, दूसरा निकल आता, दूसरा सही होगा फिर तीसरा निकल आएगा, तो इनकी क्या टेंशन करनी है। एक गया एक आया, अब आज तो भाई सुबह सुबह दीपावली है, अब आज भाई ये आग भी सूझ गई। हाँ पता है रात को दीपावली, हाँ मतलब आज कल दीपावली है तो आज भाई सकल और ज़्यादा बेकार हो गई। वैसे सोचा नहीं थोड़े तैयार हो जाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, लेकिन कोई नहीं फिल्टर अपना जितना हमारा फिल्टर लगाएंगे। लेकिन ये आग का क्या करेंगे, आग तो देखो कौन सी सूझ गई है भाई, बहुत इस दीपावली पे हालत खराब है। पकौड़ियाँ हम सोच रहे ढोकला बना दे तुम लोगों के लिए, तो गाइस कमेंट में बनाओ ढोकला बना के खिला दे इन लोगों को, ये लोग सफाई कर रहे हैं। अरे बनाए ट्राई करके देखें कैसा बनेगा। सुबह सुबह उठे तो चलो चलते हैं, आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट, चाय बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस बनाने जा रहे थे ढोकला, लेकिन ढोकला के लिए इनो मिला रही, तो अब ढोकले से आ गए चीले में, अब बनाएंगे चीले, दिखाएंगे अब चीले बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अरे ठीक है तुम सहायता मत करना भाई, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम सहायता नहीं करें तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं बनाते हैं, चलते चीले देखते हैं। ओ तो हम बच्चे भी नहीं है, ठीक है तो गाइस चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या हम बना पाते हैं चीले या फिर नहीं बना पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे ब्लॉग में चलते हैं। अपने आप को बहुत बड़ी सेफ समझती है, सेफ तो गाइस आज मैं बनाऊंगी ऐसा चीला जो किसी ने ना आज तक कभी खाया होगा और ना कभी किसी ने देखा होगा, ठीक है नहीं कभी देखेगा ऐसा चीला। भाई हमारे घर पे पता नहीं लोगों को क्यों इतनी ज्यादा गलतफहमी है कि हम कुछ किचन में बना नहीं सकते, तो ठीक है
भाई देखते हैं आपको भी दिखाएंगे, आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा मैंने बनाया है। भाई हमारे घर पे हमको सोचे बनाने का, तो तुम रहने तो तुम तो कर ही नहीं पाओगी। अरे भाई हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई पहले करवा के देखो तो कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है चलिए चलते हैं अपने चीले बनाने की तरफ, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। घर पे तो गाइस अभी हमने बेसन ले लिया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार। तो गाइस अपने इसमें सब मसाला सब कुछ डाल लिया, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के, फिर दिखाएंगे आपको। गाइस हमारा चीले के लिए पेस्ट और सारा सामान रेडी हो चुका है, अब हम बनाएंगे चीले। खाने से पहले ही बना लेते हैं हम अपनी चाय। तो चाय बन रही है, अभी थोड़ी देर में बनके रेडी हो जाएगी। गाइस देख सकते हैं चाय हमारी बनके रेडी हो गई है। तो अब चाय बनने के बाद हम बनाने चलते हैं चीले। चीले का सामान सारा रेडी है, बस अब रेडी होने जा रहे हैं हम। देखते हैं चीले बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखिए। करती नहीं, अब कुछ करने जाओ तो बताओ। हमारा तवा रख दिया साइड में, अपना पानी रख दिया भाई, कुछ करने ही नहीं देते। फिर कहते तुमको तो कुछ आता ही नहीं, कुछ सीखने ही नहीं देंगे तो आएगा कैसे। अब ये पानी गर्म हो जाए उसके बाद हमारे चीले। भाई चीले को तो कोई सीरियस ले ही नहीं रहा, बस ये है कि तुम अपना बनाओ जाके, तुम्हें जैसा बना पाओ वैसा बनाओ, नहीं तो ना बना पाओ तो फेंक दो जाके। भाई सब ऐसे में हल्के में लिए, देख लेना अभी पहला चीला इतना हम टेस्टी बनाएंगे कि खा के एकदम उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग। देखिए ये हमारा पेस्ट है, अभी लोग बोल रहे थे
असली दीपावली है बड़ी वाली, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम दीपावली वाली फीलिंग आ रही है। तो किस किस के घर पे लाइट लग गई है, तो किस किस के घर पे अभी तक नहीं लगी हुई है, सोते ही पड़े हैं। अभी शाम का टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, अब चलते हैं नीचे गाइस, पूजा करते चल के मंदिर पे। फिर गाइस तो मंदिर से पूजा कराए, अब ये एक दीपक जो जलता है ना नरक चौदस पे, हाँ हमारे यहाँ नाली के पास दीपक जलाया जाता है। आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ कैसी मान्यता है, कहाँ पे जलाया जाता है।